गुड मॉर्निंग एवरी वन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिट्स ठीक है प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है आज हमें तो प्लास्टिक्स कंटेन पिगमेंट्स एंड आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स जो प्लास्टिट्स होते हैं वो उनमें पिगमेंट पाया जाता है और वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं दे आर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिट्स यहाँ तीन टाइप के प्लास्टिट्स पाए जाते हैं पहला है क्लोरोप्लास्ट सेकेंड है क्रोमो और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट तो द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट द ग्रीन प्लास्टेट्स फाउंड इन प्लांट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन प्लास्टेट्स पाया जाता है प्लांट्स में उसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरोफिल और जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं बिच इम ग्रीन कलर टू द लीव जो कि लीव्स को हरा कलर देता है अब नेक्स्ट क्या आता है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट दीज आर नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स ये कैसे नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स रहते हैं दे हैव कलरिंग पिगमेंट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द फ्लावर्स एंड सीड्स ठीक है ये क्या होता है ये कल इनमें कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देने के लिए फिर है नेक्स्ट ल्यूको तो दीज आर कलरलेस प्लास्टिक्स ये कलरलेस प्लास्टिक्स पाए होते हैं दे आर प्रजेंट इन रूट्स एंड नॉन पोटोथिनस टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स ठीक है ये कहाँ पाए जाते हैं रूट्स में पाए जाते हैं और नॉन पोटोथिन टिश्यूज़ में पाए जाते हैं प्लांट के दे ऑर्गन दीज ऑर्गेनल्स स्टोर फूड और ये ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो अपने आप में फूड स्टोर करके रखते हैं फिर आता है क्या लाइसोसोम्स तो डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट टेक प्लेस इन लाइसोसोम्स एज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन होता है और रिमूवल होता है वेस्ट का वो लाइसोसोम्स के में होता है क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं दे डाइजेस्ट एक्सेस और वॉन आउट ऑर्गेनल्स ठीक है ये डाइजेस्ट कर लेते हैं कि किसको आ, ये डाइजेस्ट एक्सेस और जो टूटे हुए ऑर्गेनल्स रहते हैं उनको फूड पार्टिकल्स एंड एंड गल्फ वायरस और बैक्टीरिया ये इनको सबको क्या कर लेते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं अंडर कंडीशंस ऑफ स्टेरवेशन लाइसोसोम्स स्टार्ट डाइजेस्टिंग द अदर ऑर्गेनल्स प्रजेंट इन द सेल स्टेरवेशन की कंडीशन में लाइजोसोम्स जो रहते हैं वो अदर ऑर्गेनिज प्रेजेंट होती हैं सेल में उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं इन विच दे आर प्रेजेंट जहाँ वो मौजूद होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूसीडल बैग्स ऑफ द सेल्स इसीलिए हम इनको स्यूसीडल बैग्स भी कहते हैं सेल्स के दे आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स और ये कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स में पाए जाते हैं नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स तो दीज आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स एंड साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये छोटे राउंड कलर राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइड्स होते हैं फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लास्ट सॉरी ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न और ये हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने में जब सेल डिवीज़न होता है इट आल्सो कैरीज आउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूलर मटेरियल थ्रू आउट द सेल और ये कैरी आउट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सेल्युलर मटेरियल का पूरे सेल में अपार्ट फ्रॉम इट इट प्रोवाइड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल और इसके साथ साथ ये क्या करता है इन सरफेस एरिया क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है रिएक्शन के लिए जो कि सेल में होती हैं नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडीज तो दीज बॉडीज लुक लाइक स्टॉक्स ऑफ फ्लैटेड सेक्स एंड ट्यूब्स ठीक है ये स्टॉक होती हैं किसके फ्लैटेड सेक और ट्यूब्स का आर मेन फंक्शन इज़ टू रिसीव पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट केमिकल प्रोडक्ट्स विद इन एज वेल एज आउटसाइड द सेल्स इनका मेन फंक्शन होता है रिसीव करना पैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना केमिकल प्रोडक्ट को सेल्स में भी और सेल के बाहर भी द गोल्गी बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज द सेल्स मेल रूम और इनको सेल्स मेल रूम भी कहा जाता है अब आता है सेंट्रोसोम तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कंसिस्टिंग ऑफ टू सेंट्रो टूट्रेंट्रीलो रोल्स ठीक है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल रहता है जिसमें दो सेंट्री सेंट्री सेंट्रियोल्स रहते हैं इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स एंड इज प्रजेंट वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन और ये भी क्या करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है फिर आता है सेंट्रोसोम तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिक कंसिस्टिंग ऑफ टू सेंट्रियोल सॉरी नेक्स्ट आता है क्या वैक्यूल्स तो दीज आर स्टोर स्टोरेज सेक्स फाउंड इन द साइटोप्लास्ट प्लाज्म ये स्टोर सेक्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल एज वेल एज सेल्स ये दोनों में पाए जाते हैं एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी बट आर मच लार्जर इन प्लांट सेल्स लेकिन ये प्लांट सेल्स में कैसे होते हैं बड़े होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं वैक्यूल्स स्टोर फूड एंड अ वेरायटी ऑफ न्यूट्रिय दैट आर सेल नीड टू सर्वाइव वैक्यूल्स फूड स्टोर करके चलते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिय रखे हुए होते हैं जो कि सेल की सर्वाइव के लिए जरूरी होते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर इन अ प्लांट सेल इज़ स्टोर्ड इन वैक्यूल्स और जो बहुत सारा पानी ज़्यादातर जो पानी होता है प्लांट सेल में वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है वैक्यूल्स गेन एंड लूज वाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ इट इज अवेलेबल इन द सेल वैक्यूल्स गेन करते हैं और लॉस करते हैं वॉटर को वो डिपेंड करता है कि कितना वाटर अवेलेबल है सेल में दे कैन इवन स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट सो दैट द रेस्ट ऑफ द सेल्स इज प्रोटेक्टेड फ्राम कंटेमिनेशन ठीक है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर लेते हैं जिससे जो बाकी की सेल्स हैं वो कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट हो सकें द फ्लूड प्रजेंट इन द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल्स एप और जो फ्लूड इसमें पाया जाता है इसको हम सेल सैप से बोलते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और ये क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है शेप और स्ट्रक्चर को सेल के मेंटेन करने में अब डिफरेंस बताना है हमें प्लांट और एनिमल सेल में तो वी हैव डिस्कस अबाउट मेजर ऑर्गेनल्स प्रजेंट इन अ सेल हम बहुत सारे मेजर organ, ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि सेल में मौजूद होते हैं हाउ एवर ऑल द ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रजेंट इन प्लांट और एनिमल सेल और जितने भी ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं वो दोनों में कुछ होते हैं जो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं और कुछ होते हैं जो एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब हम इन दोनों सेल्स को कंपेयर करेंगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल तो आर रिजिट सेल वॉल इज इस प्रेजेंट इसमें एक रिजिट सेल वॉल पाई जाती है और इसमें सेल वॉल क्या होती है एब्सेंट होती है क्लोरोप्लास्ट इस आर प्रेजेंट इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या रहते हैं एबसेंट रहते हैं लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ऑक्यूपाई लार्ज पोर्शन ऑफ द सॉइल इसमें सेल सॉरी लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं और वो लार्ज पोर्शन सेल का क्या कर लेते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इसमें या तो वैक्यूल्स एबसेंट होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम होते हैं नंबर में सेंट्रोसोम्स आर एबसेंट इसमें सेंट्रोसोम्स एबसेंट रहता है और इसमें प्रजेंट रहता है इसमें लाइजोसॉम्स एबसेंट रहते हैं और एनिमल सेल में लाइजोसॉम्स प्रेजेंट होते हैं ये स्ट्रक्चर दिया गया है दोनों सेल्स का इसमें सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं फिर इसके बाद एक्टिविटी दी गई है कुछ हमें तो एक्टिविटी का एम क्या है टू ऑब्ज़र्व द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन चीक सेल जो हमारे गालों की सेल होती है उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है तो हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए एक कॉटन बट चाहिए है ग्लास ग्लासलाइट चाहिए है कवर स्लिप चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए है तो इसकी प्रोसीजर क्या होगी टेक अ क्लीन स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट हमें एक साफ स्लाइड लेनी है और उसमें पानी की एक बूंद डालनी है ओपन योर माउथ एंड लाइटली स्क्रैब द इनर पार्ट ऑफ योर चीक विद अ क्लीन कॉटन बड ठीक है अब हमें क्या करना अपना माउथ खोलना है और धीरे धीरे हमें जो इनर पार्ट होता है ना हमारे चीक का उसको कॉटन बट से क्या करना है क्लीन करना है पुट द वाइट Uh, scrapping of cheek on the slide and place a cover slip on it. अब हम इसको क्या करेंगे स्लाइड पर रख देंगे और उसको कवर स्लिप से कवर uh, कर देंगे ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप और हम माइक्रोस्कोप के अंडर रख के इसको क्या कर देंगे ऑब्जर्व कर लेंगे तो अब हम ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी हमें तो यू विल ऑब्जर्व द बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हमें इस तरीके से बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स मिलेंगे दीज बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स आर सेल्स और यही बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या हैं सेल्स हैं नेक्स्ट आता है क्या टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखने के लिए तो हम एक अनियन पील लेंगे ग्लास स्लाइड लेंगे वाटर लेंगे आयोडीन लेंगे और कवर स्लिप लेंगे तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी टेक द अनियन पील एंड पुट पोटास पीस ऑफ दिस पील ऑन द ग्लास स्लाइड इन आर ड्रॉप ऑफ वाटर ठीक है हम क्या करेंगे अनियन की पिल लेंगे और उस का थोड़ा सा हिस्सा क्या कर देंगे ग्लास लाइट पे रख देंगे और उसमें पानी में मतलब पानी डाल देंगे पहले से ही पानी की एक बूंद रख के उसमें डाल देंगे पुट द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द पील हम इसके ऊपर क्या करेंगे आयोडीन डाल देंगे एंड कवर इट विद द कवर स्लिप और इसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप इसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर लाइक विच लुक्स लाइक ब्रिक्स इन द वॉल ये इस तरीके से दिखेगा जैसे कि हमें ईटें दिखती हैं ईंट दिखती है, है ना उसमें दीवार में वैसे दिस स्ट्रक्चर आर सेल्स और ये स्ट्रक्चर क्या होंगे सेल्स ही होंगे अब um, नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ तो एस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कंसीडर्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स तो उनमें बहुत सारी सेल्स भी मौजूद होती हैं बट इट इज़ एन अमेजिंग फैक्ट दैट ऑल दीज सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग और जयगुड ठीक है तो ये जान के बहुत आश्चर्य होगा हमें कि ये सारी सेल्स हमें एक सिंगल सेल से मिली जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट बोलते हैं इट डिवाइड्स इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ़ सेल्स ये बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन किसकी प्रोसेस से सेल डिवीजन की प्रोसेस से एंड डेवलप इंटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और डेवलप हो जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में द सेल डिवीजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ़ द सेल जो सेल डिवीजन होता है वो सेल की ग्रोथ से ही ग्रोथ ग्रो, 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 के जैसे ही

वो मिच्योर हो जाती हैं एंड डिवाइड अगेन फिर से वो डिवाइड हो जाती हैं हाउ है द सेल आर आल्सो प्रोग्राम टू अंडरगो डेथ आफ्टर स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड और इसके बाद जो सेल होती हैं एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाती हैं वो उनकी मृत्यु भी हो जाती है द सेल्स दैट डाई आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स और जो सेल मर जाती हैं उनको न्यू सेल के द्वारा क्या कर लिया जाता है रिप्लेस कर लिया जाता है सम सेल्स ऑफ your body, ऑफ अवर बॉडी कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ और कुछ सेल्स रहती हैं जो पूरी जिंदगी भर डिवाइड होती रहती हैं जैसे कि अबाउट थर्टी लैक ब्लड सेल्स डाई एंड आर रिप्लेसड बाई न्यू ब्लड सेल्स एवरी सेकेंड जैसे हमारी बॉडी में तीस लाख ब्लड सेल्स प्रति सेकेंड मरती हैं और उनको न्यू ब्लड सेल्स से रिप्लेस कर लिया जाता है द सेल ऑफ़ स्किन कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ठीक है और जो सेल्स रहती हैं हमारी स्किन की वो पूरी ज़िंदगी भर क्या होती रहती है डिवाइड होती रहती है एंड हेल्प इन द हीलिंग ऑफ बाउंड एंड इंजरीज और जो हमारी हेल्प करती हैं किसको घाव को और जो हमारी चोटें रहती हैं उनको भरने में हाउ एवर नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर सर्टेन एज ठीक है जो नर्व सेल रहती है वो एक निश्चित एज के बाद डिवाइड नहीं होती है When cells of body lose control over cell division, they keep multiplying and developing into a large number. जब जो cell रहती हैं bodies की जब वो अपना control खो देती हैं जब उनका control खो जाता है cell division पर तो वो बढ़ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा number में हो जाती हैं This result in the deadly disease called cancer. और यही क्या बन जाता है एक मृत्यु वाली वो बन जाती है बीमारी जिसको हम क्या बोलते हैं कैंसर बोलते हैं अब अवैंड नॉलेज में क्या दिया गया स्टेम सेल्स तो स्टेम सेल्स आर द मदर सेल्स दैट हैव द पोटेंशियल टू विकम एनी टाइप ऑफ द सेल इन द बॉडी जो स्टेम सेल्स होती हैं वो मदर सेल्स होती हैं जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो किसी टी किसी भी टाइप की सेल बन जाती हैं बॉडी में वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल इज़ देयर एबिलिटी टू सेल्फ रिनी ठीक है उनकी एक एबिलिटी एक, क्या होती है कि वो खुद से ही रिन्यू हो जाती हैं या फिर मल्टीप्लाई हो जाती हैं मेंटेन करने में अपना पोटेंशियल ठीक है अदर सेल्स की टाइप अदर सेल्स के जैसे सच एस ब्लड सेल जैसे कि ब्लड सेल होती हैं हार्ट सेल होती हैं स्किन सेल होती है मसल सेल्स होती हैं नर्व सेल्स होती हैं एक्सेट्रा स्टेम सेल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम सम टिश्यूज़ ऑफ अडल्ट बॉडी जो स्टेम सेल्स होती हैं वो ऑप्टेन होती हैं कुछ अडल्ट बॉडी के टिश्यूज़ से जैसे कि बोन मैरो हो गया ह्यूमन एम्ब्रियो हो गया एक्सेट्रा इनसे यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट देखेंगे ठीक है अगर आप लोगों कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू